आज हम लोग ग्रामीण एरिया का क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली जितने भी केसेस इससे मैंने उसका क्या स्थिति है। राजधानी रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर ग्रामीण एसपी ने सभी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से पेंडिंग केस के निष्पादन पर चर्चा हुई। वहीं क्राइम कंट्रोल के लिए किए जा रहे काम और रणनीति के तहत क्या कुछ काम हुए हैं, इस पर चर्चा हुई। आने वाले पर्व त्यौहार में सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 112 डायल नंबर को लेकर सभी थाना प्रभारी को जानकारी दी गई। इसके साथ साथ प्रभारी को बाइक से भी ग्रामीण इलाकों में गश्ती करने और शिकायत मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रेन छिनतई, पॉक्सो, हत्या, दुष्कर्म, एसटीएससी के मामले को लेकर विचार विमर्श किया गया और लंबे समय से पेंडिंग केस के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज हम लोग ग्रामीण एरिया का क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली जितने भी केसेस किसको मैंने हुए, उसका क्या स्थिति है, क्या डिस्पोजल है, और अपराध नियंत्रण के लिए हम लोगों ने क्या क्या कार्रवाई किया है, क्या हम लोगों ने प्लान किया था और कितना हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों का आने वाले पर्व त्यौहार में मुहर्रम आ रहा है, तो उसमें हमारी क्या तैयारी है, हमें उसमें कैसे आगे क्या करना है, उसके लिए आज हम लोग प्लानिंग करेंगे। कितना फोर्स कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सेंसिटिव एरिया है। इसके अलावा हम लोग दो और मुख्य एजेंडा पे आज बात करेंगे, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है हमारा, जिसमें हम लोग 112 डायल नंबर के बारे में बात करते हैं। जो जनता 112 नंबर डायल करती है और पुलिस का रिस्पॉन्स होता है, तो अभी रांची ज़िला का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग अभी सभी थाना प्रभारी को उसके बारे में बताने वाले हैं कि 112 का रिस्पॉन्स में आप और इम्प्रूवमेंट कीजिए। और जो हमारे पास गाड़ी है खासकर, उसके साथ साथ अब हम लोग उपाय कर रहे हैं कि बाइक से भी जल्दी से, क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम लोग बाइक से भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमें कॉल करता है तो हम तुरंत उनके पास 10 से 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएँ और उनको एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो खासकर छिनतई के मामला है, एनडीपीएस है, पॉक्सो है, हत्या है, रेप है, एसटीएससी के केसेस हैं, ऐसे गंभीर मामलों पे हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। और जो केस लंबे समय से पेंडिंग है, उसमें हम लोग विचार करेंगे कि क्यों पेंडिंग है, उसमें क्या कारण है, जिसको हम लोग त्वरित गति से अनुसंधान उसका कम्प्लीट करें। तो इन सब बिंदुओं